So in the discussion of the railway general budget, you can include all the points regarding the bill also. Now, Srimati Bimala Kashyap Sood, your time is 10 minutes according to, as per your party allocation. Sabhapati Mahode, main aapki bahut aavahari hoon. मैं आपकी बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे रेल बजट पे बोलने का मौका दिया। भारतीय रेल भारतीय नदियों की तरह लोगों की जीवन रेखा है। भारतीय रेल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है जो लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन अपने गंतव्य स्थानों तक ले जाती है। रेल बजट में आम आदमी दो ही चीज़ें देखता है, किराया और सुविधाएँ। इस लिहाज से आम आदमी खुश हो सकता है कि इस बजट में किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया गया और तमाम तरह की सुविधाएं देने का भी वादा किया गया। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने बुजुर्गों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा। बुजुर्गों के लिए 120 बर्थ और आरक्षण हर श्रेणी में, महिलाओं में 33% आरक्षण और बर्थ रिजर्वेशन करने की घोषणा की है। रेलवे स्टेशनों पर 2500 वाटर बैंडिंग मशीनें लगाई गई हैं जिससे यात्रियों को स्वच्छ पानी पीने को मिले। सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए हैं क्योंकि मोबाइल का चार्ज अगर समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति अधूरा हो जाता है। सभी ने गैर कानूनी सवारी डिब्बों में कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं क्योंकि मोदी सरकार का लक्ष्य स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल मिशन है। इस वित्त वर्ष में रेल गाड़ियों में 17,000 जैव शौचालय और स्टेशन पर 475 अतिरिक्त शौचालय बनाने का लक्ष्य है। जैव शौचालय जो नए कंपार्टमेंट बनेंगे उनमें जैव शौचालय लगेंगे जिससे पूरा कुछ को पूरा भी कर दिया गया है। दुनिया का सर्वप्रथम जैव निर्वात शौचालय भारत रेल द्वारा ही तैयार किया गया है। 74 अतिरिक्त रेलगाड़ियों को ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सेवा के अंतर्गत डाला गया है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाकर 1000 हो जाएगी। स्वस्थ कर बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए मैटरनिटी लॉन्ड्रियों को बढ़ाया गया है। अब चुनिंदा स्टेशनों पर सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल बिस्तर भी उपलब्ध है। इसके लिए रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। आधुनिक साज सज्जा वाले सवारी डिब्बों में के साथ एक नई रेलगाड़ी महामन्ना एक्सप्रेस भी शुरू की गई है। सभापति महोदय, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार रिंग रोड की तरह रिंग रेल को भी पुनर्जीवित करने जा रही है। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर 21 स्टेशन रिंग रेल में आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आस्था सर्किट लिंक को प्रमुख पर्यटन धार्मिक स्थानों को जोड़ने की घोषणा पिछले बजट में भी की गई थी। इसी कड़ी में दो रूटों पर टूरिस्ट ट्रेन भी चलाई गई है। सोलर पावर रेल मंत्री जी ने भरोसा जताया था, 1300 करोड़ रुपए की बचत की गई है सोलर पावर से। जो पिछले बजट में घोषणाएं की हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु, उन सभी घोषणाओं को असली जामा पहनाने के लिए प्रयासरत हैं। जो डबल डेकर ट्रेन चलाने की घोषणा मंत्री जी ने की है वह व्यस्त रास्तों पर चलेगी और जिस कदर ट्रेन में भीड़ होती है उसमें भी डबल डेकर ट्रेन भीड़ को कम करने में सहायक होगी। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई दूंगी। कम लागत, कम प्रदूषण और सड़क परिवहन की तुलना में एक तिहाई जगह की जरूरत के कारण रेल भविष्य की तरक्की का इंजन है। हर आदमी तक ट्रेन पहुंचे इसकी जद्दोजहद में हमारी सरकार और रेल मंत्री प्रयासरत हैं। उपसभापति जी, जम्मू एवं कश्मीर में कठिन भूभाग और अनिश्चित भूविज्ञान के बावजूद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का कटरा बनियाल खंड संतोषजनक प्रगति कर रहा है। 95 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर सुरंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सरकार दो इंजन कारखाने लगाने जा रही है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को शुभकामनाएं देती हूं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंजनों की कमी भी दूर होगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 300
11 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 182 भी दिया है। रेल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को देखते हुए वडोदरा स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को चुना है। अगले वित्त वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। अब मैं रेल मंत्री जी का ध्यान हिमाचल की ओर लाना चाहती हूं। आपने धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए रेल द्वारा जोड़ने की घोषणा की है। मैं कहना चाहूंगी कि हिमाचल में भी बहुत से तीर्थ स्थान हैं जहां लोग हर वर्ष माता वैष्णो की तरह मत्था टेकने जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा, चामुंडा, बगलामुखी, बाबा द्योटसी आदि आदि। इन स्थानों को भी रेल द्वारा जोड़ना चाहिए। हिमाचल एक पर्यटन स्थान है, वहाँ लोग गर्मियों में और बर्फ देखने के लिए भी जाते हैं, इसलिए वहाँ मोनो रेल PPP के माध्यम से चलाई जाए। इससे ना तो पहाड़ काटने पड़ेंगे और ना ही हिमाचल का पहाड़ काटने पड़ेंगे। हिमाचल का मुकाबला स्विट्ज़रलैंड से किया जाता है। वहाँ मोनो रेल टिटलिस के पहाड़ तक जाती है। वैसे ही भी अगर हिमाचल में मोनो रेल चलाई जाए तो हिमाचल में किन्नौर तक जा सकती है। पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, लोग पैसा खर्चने से नहीं डरते, परंतु समय की बचत होगी। उपसभापति महोदय, ये बजट आम नागरिक की आकांक्षा का बजट है। रेल में सबसे ज़्यादा 14 लाख कर्मचारी हैं। ये रेल परिवार के प्रत्येक सदस्य की अभिलाषा का प्रतिबिंब है। नई घोषणाएं मंत्री जी ने नहीं की, बल्कि पुरानी घोषणाएं पूरा करके रेल में सुधार करने का बजट है। मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि प्रभु ने रेल में दूध पहुंचाया, परंतु मैं बड़ी हैरान हुई कि प्रभु ने रेल में दूध कैसे पहुंचाया। जब मैंने वो खबर डिटेल में पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये पूरे खबर पढ़ी कि माँ ने ट्वीट किया कि मैं फलां सीट पर सवारी सफ़र कर रही हूँ, मेरे बच्चे को भूख लगी है, दूध चाहिए। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो उस महिला को दूध उपलब्ध करवा दिया गया। भारतीय रेल अगर ऐसा कर पाई और ऐसी ऐसी सुविधाएं सवारियों को दे पाई, इसके लिए मैं रेल मंत्री जी का और रेल विभाग जी का और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। विकास की और गाड़ी चल रही है, परंतु थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी सब्र करना पड़ेगी। ये मेरा अपोजिशन को भी कहना है। धन्यवाद।